सीबीआई ने पकड़े ईडी मेट के दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया का हाल कुछ ऐसा ही है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तारी की, उससे अभी निपटे भी नहीं थे कि बीच में ईडी ने छलांग लगा दी और ईडी ने भी बैती गंगा में हाथ धोते हुए मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी और तब से अब तक वो दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रिमांड में है। शुक्रवार को उनकी रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ पर ईडी ने मनीष सिसोदिया के 7 दिन की हिरासत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत के आदेश सुना दिए। अब 22 मार्च को मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में मनीष सिसोदिया को घरेलू खर्च के लिए चेक हस्ताक्षर करने और ईडी द्वारा जब्त किए गए बैंक अकाउंटों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट में हुई कार्रवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि एजेंसियां पूछताछ के नाम पर उन्हें इधर से उधर बैठा रही है। पिछले 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गई है, जिस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि इस समय जांच में अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर है, अगर इस समय हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। वकील ने कहा कि ईडी को बताना होगा प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। वकील ने आगे कहा कि ईडी जो रिमांड में पूछना चाहती है वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का नया तरीका है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने आधारहीन रिमांड ली है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादियों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपराधी नहीं माना है, बस सीबीआई और ईडी पूछताछ के नाम पर उन्हें जेल में रखे हुए हैं। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि वह सत्ता से कभी नहीं जाएंगी और आज के सत्ता नशी को भी गलतफहमी है। अगर आगे किसी विपक्षी दल के आगे सीबीआई और ईडी उनके हाथ में आ गई तो क्या होगा। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, वो जेल में इसलिए हैं कि बीजेपी की एजेंसी जांच की आड़ में कहती है कि हमें उन्हें जेल में रख के सवाल पूछने। आपको यह फर्क समझना होगा। आज मनीष सिसोदिया जी कन्विक्ट नहीं है, उन्हें सजा नहीं हुई है कोर्ट में, ये एजेंसियां जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती हैं। और जांच को कैसे लंबा किया जाए, 10-10 दिन की रिमांड लेकर दिन में 1 घंटे की पूछताछ करो, दर्जनों नाम दे दो कि इनसे आमना सामना कराना है, मात्र 2 लोगों से आमना सामना कराओ और कोर्ट में आकर रिमांड एप्लीकेशन डालकर कहो 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। मकसद यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकले। ये एजेंसियों का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगी, हमेशा सत्ता पे काबिज रहेंगी। आज भी जो लोग सत्ता नशी हैं उन्हें यही गलत फहमी है कि हम लोग भी सत्ता से बाहर नहीं होंगे। कल को अगर विपक्ष के किसी राजनीतिक दल की सरकार बन गई और उसके हाथ में ईडी सीबीआई आ गई तो फिर क्या होगा, तो फिर तो इस देश में बदले की राजनीति चलेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करो। बीजेपी सरकार के अंदर इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूं, 2014 से लेकर 2022 तक, 23 तो शुरू ही हुआ है अभी, 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में बीजेपी की केंद्र में बैठी मोदी सरकार के 8 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3,555 नए केस दर्ज करे, 3,555 न्यू केसेस वर रजिस्टर्ड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन द लास्ट 8 ईयर्स फ्रॉम 2014 टू 2022 ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। इन्हीं 8 सालों में कितने लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई इन मुकदमों में, सबूतों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, केस कितना मजबूत है इसके आधार पे, कुल मिलाकर पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 तक कोर्ट ने मात्र 23 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, 3,555 नए मुकदमे और मात्र 23 लोगों को कोर्ट ने अंततः दोषी ठहराया। मकसद
कोर्ट में ट्रायल कंप्लीट कराने का, अभियुक्त को दोषी करार दिलवाने का, कन्विक्शन की ओर मुकदमे को ले जाने का, सबूत पेश करने का, गवाह पेश करने का है ही नहीं। मकसद है फर्जी केस डालो और जांच के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जेल में रखो नेताओं को। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखो और उनसे सवाल जवाब करने, गवाहों से आमना सामना करवाने की आड़ में उन्हें महीनों महीनों जेल में रखो। भ्रष्टाचार किए होते तो कुछ तो सोना निकलता, संपत्ति निकलती, पैसा निकलता, कहां चला गया? तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा भाजपाइयों को कि तुम्हारे अत्याचार को, तुम्हारे जुर्म को, तुम्हारी तानाशाही को, तुम्हारी गुंडागर्दी को, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को सारा देश देख रहा है। और मोदी जी, आपको इस देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, आप अपने उस पद का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को प्रताड़ित करने में, उनके ऊपर अत्याचार करने में, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करने में लगा रहे हैं। समय आने पर देश की जनता आपको जवाब देगी। दिल्ली की शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके कुछ दिन बाद ईडी ने जेल में पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया हिरासत में है। अब 21 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।